हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा? अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन चल रहा है, 14th क्वेश्चन चल रहा है, और जिसमें अपन चेक करने वाले हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। मुझे पता है अकाउंट्स की सीरीज लेट हो गई है, लेकिन अगली बार से पूरी मेरी कोशिश यही रहने वाली है कि जल्द से जल्द एक दिन प्रायर तो कम से कम आपको अंतिम प्रहार मिल ही जाए, है ना। तो बैक टू बैक एग्जाम चल रहे हैं, थर्ड सेम फर्स्ट टाइम के एग्जाम चल रहे हैं, और सारी चीजें हमारी री वेरीफाई होके ही बच्चों के सामने आती है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं फिर से याद दिला देता हूं। कैश फ्लो का न्यूमेरिकल अच्छे से देख लो, वर्किंग कैपिटल का न्यूमेरिकल अच्छे से देख लो, रेशो एनालिसिस में रेशो सारे याद कर लो, जर्नल एंट्रीज अच्छे से याद कर लो, जर्नल एंट्री प्रिपरेशन, जर्नल एंट्रीज लेजर, और फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना सीख लो। यही आने वाला है, बस पांच ही तरीके के न्यूमरिकल है, ज़्यादा तरीके के न्यूमरिकल नहीं है। एक डेप्रिसिएशन का न्यूमरिकल है, छः ही तरीके के न्यूमरिकल हैं। इसके अलावा से वर्किंग कैपिटल हटा देना, चलो न्यूमरिकल में पांच ही तरीके के न्यूमरिकल रखे हैं। फिर से बता देता हूँ, जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट, कैश फ्लो का न्यूमरिकल, डेप्रिसिएशन का न्यूमरिकल, और एक कौन सा बताया था मैंने, बस यही चार ही याद आ रहे हैं अभी तो, बताओ एक कम भी हो गया। वर्किंग कैपिटल, रेशो एनालिसिस का न्यूमरिकल, ये पांच न्यूमरिकल अच्छे से देख लो, आपको 100 में से 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर ये पांचों न्यूमरिकल पे किसी बच्चे की पकड़ अच्छी है तो ठीक है। तो चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोल देते हैं। 14 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग बताइए। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द पर्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड अकाउंट्स, यानी अकाउंट को लिखने की एक जो प्रोसेस होती है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। केवल इतना ही रह जाए ना, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस टू रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन तो भी सही है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एंड फॉर्म रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूजर कौन कौन है? जो भी अकाउंट को समझता है वो अकाउंट का यूजर है। उसका इन्वेस्टर हो सकता है, उसका एम्प्लॉई हो सकता है, उसका मैनेजर हो सकता है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, सब कुछ कंपेरेटिव हो सकते हैं। और अकाउंट्स के अंदर क्या क्या होगा, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और इसका यूजर कौन है? देखो, मैनेजमेंट यूजर है, इन्वेस्टर यूजर है, क्रेडिटर्स यूजर है, डेप्टर यूजर है, रेगुलेशन अथॉरिटी यूजर है, लेबर यूनियन यूजर है, कस्टमर यूजर्स हैं। जो भी अकाउंट का यूज कर रहा है, कौन कौन यूज कर रहा है? एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, कस्टमर, कॉम्पेरेटिव, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब, और लेबर यूनियन, ये भी सब इसके यूजर्स हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो अपन आ चुके हैं, 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मैंने न्यूमेरिकल्स के भी आपको बता दिया कि कौन कौन से सीखने हैं। आई होप आपका ने सब तैयारी कर ली, और कल पूरी की पूरी मेरी शुभेच्छाएं, और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, अकाउंट्स में एकदम आप बहुत अच्छा स्कोर करें। जय हिंद।